नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पर मिल जाएगी और दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर बात करें तो ये वैकेंसी निकली है ओडिशा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, और इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 14/5/2022 यानी आज से, और एंड डेट रहेगी इसकी 7/6/2022 तक, और अप्लीकेशन सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो रहने वाली है 14/5/2022 से 12/6/2022 तक, यानी 7/6/2022 तक आपको इसका जो भी पेमेंट की रिसिप्ट है या फिर जो भी चालान है वो कटवा लेना है, और 12/6/2022 तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्टों की बात करें तो 4070 पोस्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट हैं, नर्सिंग ऑफिसर के नाम से यहाँ पर वैकेंसी निकली है ये, और यहाँ पर अगर बात करें तो इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स दे रखी हैं किस प्रकार आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, वो आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सैलरी की, तो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्टें दे रखी हैं यहाँ पर, पे स्केल है वो 29,200 से लेकर 92,300 तक, यानी पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अनुसार मिलेगा, और मंथली जो रिम्यूनरेशन है वो 15,000 रुपये यहाँ पर मिलने वाला है। आगे बात करें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो एज है वो 21 से 38 साल के बीच में तो अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप एससी, एसटी, एससी, बीसी वुमेन कैटेगरी के, तो आपको 5 साल की यहाँ पर अपर एज लिमिट में छूट भी मिलने वाली है। इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें हम तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको जो हाई सेकेंडरी सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा, साथ में आपकी प्लस टू यानी 12वीं पास की होनी चाहिए, और उसके अंदर साथ में 12वीं के डिप्लोमा जीनम या फिर बीएससी नर्सिंग की होनी चाहिए, कोई भी मेडिकल कॉलेज किसी भी स्टेट का हो वहाँ से की होनी चाहिए, और आपका साथ में जो जिस कॉलेज से आप डिप्लोमा या जीएनएम या बीएससी नर्सिंग कर रहे हो वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा रिकॉग्नाइज ज़रूर होना चाहिए। आगे बात करते हैं तो जो कैंडिडेट्स हैं उनका नर्सिंग काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, जो इसकी एडवर्टाइजमेंट डेट है उससे पहले पहले का, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपका जो मिडिल क्लास स्कूल सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, उसमें जब 10वीं आपने पास की उसमें ओडिया लैंग्वेज होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके पास अगर और बात करें तो क्लास जो भी 5th, 6th, 7th है और उससे ऊपर है जो स्कूल या एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और साथ में पास्ट होना चाहिए ओडिया के अंदर एमई स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय द स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, यानी एक डिप्लोमा है जो ओडिशा के अंदर होता है वो किया हुआ होना चाहिए। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप इंडियन कैंडिडेट होना चाहिए, गुड करेक्टर होना चाहिए आपका, कोई पुलिस केस नहीं होना चाहिए, वो सारे हैं वो आप चेक कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं लास्ट डेट की, लास्ट डेट के ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं, लास्ट डेट इसकी 12/6/2022 रहने वाली है। अप्लाई करने की प्रोसेस है वो यहाँ पर देर की है, आप सीधा जाकर इसकी ऑफिशियल साइट की लिंक ऊपर दिखा दी थी, उस लिंक पर जाकर आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कितनी साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए वो सारी डिटेल यहाँ पर देर के वो आप देख सकते हैं। अब ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है वो आपको क्या क्या चाहिए जब वेरीफिकेशन होगा, तो एक तो आपके पास नर्सिंग काउंसिल जो ओडिशा का है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है रिजर्वेशन के लिए यानी एससी, एसटी, एससी, बीसी जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्लास 7th का और कोई भी स्कूल है जिसमें आपने 8वीं की है वहाँ से आपके पास ओडिशा लैंग्वेज के अंदर या फिर ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर ओडिया लैंग्वेज में जो 7वीं, 8वीं और 10वीं जो की है उसका भी कोई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और यदि आप एक्स सर्विस मैन है तो वहाँ का डिस्चार्ज जो कार्ड होता है वो भी आपके पास होना चाहिए, यदि आप कॉन्ट्रैक्ट पर कहीं काम कर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त हम बात करें तो कोई भी जो भी आईडी है ओडिशा गवर्नमेंट की वो भी यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए। यदि आप किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन लेते हो या स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में रिजर्वेशन लेते हो तो यहाँ पर ओडिशा की जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी उसके द्वारा जारी किया गया डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। प्लेस एंड डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन है उसकी जो डिटेल है वो आपको ऑफिशियल साइट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, ऑफिशियल ये साइट है इसकी, और यहाँ पर आप यूज़र आईडी और पासवर्ड लगाकर आप चेक कर सकते हैं और आपका एडमिट कार्ड वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की,
तो यहाँ पर एक पेपर होने वाला है जिसमें अगर हम बात करें कि किस प्रकार MCQ आएंगे, उनका डिवाइडेशन किस प्रकार किया गया, तो जो क्वेश्चंस होंगे वो सब्जेक्ट्स की यानी GNM या BSc नर्सिंग की बात करें तो 60 क्वेश्चंस आएंगे, 60 नंबर के आएंगे, और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स जिसमें 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। अर्थमेटिक हाई सेकेंडरी स्टैंडर्ड के होंगे जिसमें 10 पर्सन होंगे 10 नंबर की। इंग्लिश के आएंगे हाई जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है उसके अनुसार 5 पर्सन आएंगे और 5 नंबर के, टोटल 100 यहाँ पर पर्सन होंगे, 100 ही नंबर के होंगे। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन एंड स्पोर्ट्स जो पर्सन है उनको 30% नंबर लाने ज़रूरी है, अदर को 35% नंबर यहाँ पर लाने ज़रूरी है। और सिलेबस है एग्जामिनेशन का, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टैंडर्ड सिलेबस एंड सब्जेक्ट्स फॉर एग्जामिनेशन विल बी एज पर द इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जो डिसाइड किया जाता है वही यहाँ पर मान्य होगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, OMR पे आपको आंसर देना है और प्रत्येक का 0.25 गलत पर्सन का आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी किया जाएगा। सिलेक्शन लिस्ट है वो इसकी ऑफिशियल साइट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, रिजल्ट भी ऑफिशियल साइट पर आ जाएगा और हम भी आपको जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। इसके बाद यहाँ पर दिखाया गया कि किस प्रकार कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो 13 मेडिकल कॉलेज है उन कौन कौन से मेडिकल कॉलेज के अंदर पोस्ट हैं, वो ये PDF डाउनलोड करके आप देख सकते हैं संपूर्ण डिटेल। तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया पोस्ट हैं, 4070 पोस्ट हैं, आप ज़रूर अप्लाई कीजिए लास्ट डेट का वेट किए बिना। और कोई भी अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई भर्ती के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।